हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये गाड़ी है मारुति की सेलेरियो। इसमें जो प्रॉब्लम आती है, जैसे ही बारिश होती है, बारिश के पानी में से गाड़ी निकलती है तो गाड़ी बंद हो जाती है और फॉल्ट कोड बनाने लगती है इंजेक्टर ड्राइवर का। तो हमने जब हमारे पास टो होके आई है गाड़ी, हमने कोड क्लियर किया इसका। तो जैसे थोड़ी धूप लगी हुई है तो हमने कोड क्लियर किया इसका स्कैन लगा के, तो गाड़ी स्टार्ट होगी। अब हम डायग्नोस करने वाले हैं कि कहाँ पे पानी लगता है तो गाड़ी हमारी बंद हो जाती है और दोबारा स्टार्ट नहीं होती। एक तो इसमें ये फेंडर लाइन है, ये टायर के ऊपर ये नहीं है, और दूसरा इसके जो बम्पर के नीचे है, बम्पर के नीचे यहाँ पे एक शील्ड लगी होती है, यहाँ इंटरकूलर के पास वो भी नहीं है। तो हम पहले बाल्टी जो होल्ड दिखा रहा है, इंजेक्टर का दिखा रहा है, तो ईसीएम मैंने क्लीन किया था इसका, ईसीएम का कपलर क्लीन किया था पहले। तो सबसे पहले हम ईसीएम पे ऐसे पानी डालेंगे ईसीएम कपलर पे, तो देखने वाले हमारा कोड जो है दोबारा बनता है या नहीं बनता। दोस्तों अभी तक तो जो गाड़ी हमारी बंद नहीं हुई, तो पहले रेस छोड़ देती है फिर बंद हो जाती है। यहाँ पे हमने पानी डाला है और अभी तक बंद नहीं हुई, थोड़ा वेट करेंगे। तो लगा तो नीचे करंट रन कर, यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ पे दोस्तों अब इसका एसी ऑन करेंगे हम, तो ये भी देखने वाले हैं कई फैन जो चल के उसका मॉइस्चर है किसी कपलर में तो नहीं आता। एसी ऑन कर दिया हमने, जो फैन हमारा चल पड़ा है, क्योंकि हमको जो डाउट है कि यहाँ से इसमें मॉइस्चर जाता होगा एसी में, तो ये भी चेक करने वाले हैं। दोस्तों जो प्रॉब्लम है इसके ईसीएम का जो रबर का रिंग है उसमें है, ये देखो इसमें पानी आ गया, ये देखो ये पानी आ गया। तो जैसे ये गाड़ी हीट होती है तो मॉइस्चर बनता है, तो ये रस्ट बन के इसके अंदर चला जाता है। तो इसको भी करेंगे हम इसका इलाज थोड़ा, इसको एनाबोर्ड वगैरह लगाएंगे।